नमस्कार, स्वागत आपण मानकु 91.9 सार्थक एफएम रो ऑफिशियल फेसबुक पेज को। मु आरजे सनी एवं मो सहित आरजे रमेश। तबे आम 91.9 सार्थक एफएम पाळुची नेशनल बोन्ड एंड जॉइंट वीक। आम सहित ओडिसा रो सुनामधन्य डॉक्टर्स माने उपस्थित रहउतले एवं आम हाडो को केमिति आमे मजबूत रखि परिबा से विषय रे आम सहित आलोचना मध्य करूतले। सेही उपलक्षे वर्तमान आम सहित जोडी हि सरलेनी फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर ज्ञान रंजन प्रधान। स्वागत करिवा तांकु आम शो को। नमस्कार डॉक्टर ज्ञान। नमस्कार सर। सर निश्चित भाव रे आपण को नेशनल बोन एंड जॉइंट सप्ताह पाई अभिनंदन जणेबी प्रथमे एवं प्रथमे आपण को थारु जानिया को चाहिबी नेशनल बोन एंड जॉइंट डे एवं सप्ताह रो माने एक्चुअली उद्देश्यटा कोन। देखन तो ई जो सेलिब्रेशन कराउची एटो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन एटा को सेलिब्रेशन करूचंती बा पालन करूचंती नेशनल बोन एंड जॉइंट डे। ए डे रो पालन करियार मुख्य उद्देश्य हला कि लोकमानक मध्यरे हाडो एवं खंजा संबंधी जो सब रोग होउची ता संपर्क रे अवेयरनेस क्रिएट करिया बा सचेतना क्रिएट करिवा एवं यहा को केमिति अनेक आसर प्रिवेंट करा जाई परिबो से विषय रे लोक को धारणा दबा। तबे सर हाडो को मजबूत रखिबारे खाद्य रो कोन भूमिका रहिछि। देखन तो हाडो मुख्यतः हाडो जति हमें तार कंपोजिशन देखिबा एथरे मुख्यतः खाद्य रो विभिन्न प्रकार अंश ही अछि। सेथि मध्ये जोटा मुख्य जिंस हला कैल्सियम। तेनकरि खाद्य रे उपयुक्त परिमाण रो कैल्सियम रहिबा दरकार। तेनकरि हमें जेतेबेले खाद्य खाउचंती सेतेबेले कैल्सियम थिबा खाद्य जेपरि कि खीर जातीय खाद्य हला, मांस बा माछ जातीय खाद्य हला, स्पेशली चूना माछ एवं सबुज पनीपरिबा ए सब जिंस खाद्य रे संतुलित मात्रा रे रहिबा आवश्यक। यदि आमे रेगुलर भाबरे याको आमे संतुलित मात्रा खाद्य रे कैल्सियम युक्त खाद्य खांती ताहले कोन हबो कि हमरो हाड शक्त रहइबो एवं हाड संबंधी जो रोग अछि सेथरु आमे आमे ताको प्रिवेंट करि पारिबा बा सेथरु दूरै पारिबा। सर हाडो जदि काहरो इंजुरी हेई जाय तबे से समय रे फिजियोथेरेपी केमिति हेल्पफुल हेइताय। देखो तो हाड रो इंजुरी विभिन्न प्रकार अछि जेपर कि हाड फ्रैक्चर हेई पारे बा ओडे माइनर फ्रैक्चर हेई पारे। हाड इंजुरी हेइसाला माने जदि फ्रैक्चर अछि ताले याहरो फिजियोथेरेपी पर आरंभ रे माने जेटा आमे कोच एक्यूट स्टेज रे फिजियोथेरापी जस्ट को रेस्ट करा जाय पारिबो किंतु याहर उपयुक्त सर्जिकल बा मेडिकल मैनेजमेंट परि सरला पारे तार रिहैबिलिटेशन फेज दा बा केमिति माने हाड ऑलरेडी जॉइंट हे सरला पारे से हाड केमिति तार जो कार्य से कार्य केमिति फेरी पारिबो सेति पई फिजियोथेरापी रो रोल अछि बा फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट रो आवश्यकता अछि किंतु हाड फ्रैक्चर हला बेले याको प्रॉपर्ली ऑर्थोपेडिक किंबा मेडिकल मैनेजमेंट करबा आवश्यक। सर अनेक क्षेत्र रे हमें जेमति देखि जोंते कि फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट नबाटा समस्तक पक्षे संभव होएनी तबे एमिति किछि घरोई उपाय अछि कि जा द्वारा हमें फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट घरे करि परिबा। देखो फिजियोथेरापी ला गोटे ट्रीटमेंट जेटा कि फिजिकल एजेंट्स माध्यम रे हिता है। फिजिकल एजेंट्स कहले आपण एक्सरसाइज को नै परिबे जेटा फोर्स को टेंपरेचर बा हीट और कोल्ड एवं अन्य प्रकार बहुत प्रकार वैद्युतिक चिकित्सा अछि। टेंपरेचर को शॉर्टवेव डायथर्म अछि, इंफ्रारेड अछि जो कि घरे नबा संभव नहुए किंतु फिजिकल एक्सरसाइज जोटा सेटा को उपयुक्त फिजियोथेरापिस्ट को परामर्श रे बा गाइडेंस रे आपण यहा को घरे करि परिबे किंतु वर्तमान फिजियोथेरापी आउ एतेटा व्ययबहुल होई नाही। ओडिसा रे सरकार तरफ प्रत्येक हॉस्पिटल रे प्रत्येक जिला हॉस्पिटल एवं अर्बन रे रहउतवा छोट छोट प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र रे एवं ग्रामांचल रे मध्ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रे फिजियोथेरापी चिकित्सा उपलब्ध करा जाउ अछि। तें करी यहा द्वारा आपण मानको माने जो माने गरीब पेशेंट अछन बा जो माने केवल गरीब नै समस्त यार लाभ उठाई पारिबे। तो फिजियोथेरापिस्ट आपनकर फिजियोथेरापिस्ट गाइडेंस रे आपण घरे एक्सरसाइज करि पारिबे। सर जने बोन डेंसिटी को आउटिके मजबूत करिवा सहित खाद्य ग्रीन परिबा खाइबा सहित एक्स्ट्रा कैल्शियम सप्लीमेंट्स नबाटा ठीक हबो कि। देखंतु बोनटा जो आपण कोचिंग को अधिक स्ट्रांग करियो बा बोन जति कैल्शियम अब्सॉर्ब करिया त सेति कि करियो ताटर से अधिक कैल्शियम अब्सॉर्ब करिवोनी कारण बोन सर आवश्यक अनुसार जहा कैल्शियम दरकार सेटा करिवो। ई बोन रो कैल्शियम अब्सॉर्प्शनटा कहा पर डिपेंड करूची ना बोन ऊपर हमें केते फोर्स बा बळ दोचे। तो हमें यदि वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जेटा हमें कोचे कि भार दबा एक्सरसाइज जेटा हमें कोचे व्यायाम करिवा ताहले कोन हबो ना बोन रो कैल्शियम अब्सॉर्प्शन कैपेसिटीटा बढ़िवो। हमें जोटा कि संतुलित आहार रूप पाई परिबा अजदा जो मानकर कोनोसी रोग नाही बा ओस्टियोपोरोसिस रोग नाही बा कैल्शियम अब्जॉर्प्शन रो कोनोसी कॉम्प्लिकेशन नाही बा कोनोसी डिजीज नाही सेमानकर अधिक कैल्शियम सप्लीमेंट अननेसेसरी कैल्शियम सप्लीमेंट नबार कोनोसी आवश्यकता नाही। केवल एक्सरसाइज आ उपयुक्त कैल्शियम युक्त खाद्य रू सेमानकर बोन आवश्यक जति कि आवश्यक सेति कि स्ट्रांग हे परिबो बा ओस्टियोपोरोसिस अछि बा मेनोपॉज बेला हार्मोनल इम्बैलेंस अछि किबा अदर कोनोसी रोग पई कैल्शियम अब्जॉर्प्शन हेई पारुनी ताहाले सिए कैल्शियम रो सप्लीमेंटेशन बा कैल्शियम सहित विटामिन D3 रो सप्लीमेंटेशन नबा आवश्यक। तें करी साधारण तो कोनोसी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आवश्यकता नाही। एक्सरसाइज खाद्य एवं प्रॉपर आमे जति सूर्य किरण ने आमे टिके संवाद करिवा ताहाले आमे विटामिन D3 मध्ये सेटु पाई परिबा। तो सर एटी उठे कथा बचेरे आमे चाहिबी वर्तमान समय रो जति कि युवा वर्ग अछंती प्राय तो समस्त जिमिंग ऊपर अधिक ध्यान दोचंती तबे बहुत पिला मानकू एमिति देखिया मिले जो माने एक्स्ट्रा वेट मारिवा चक्कर रे निजर किछि ना किछि ओटे प्रॉब्लम करंती तबे सेमितिया केस आपन पाखु केबे आछि। आपन ओटे बहुत भलो क्वेश्चन पचाले जोटा कि वर्तमान आमे क्लिनिक रे हो बा बहुत पेशेंट को आमे देख मैक्सिमम जिम रे कौन होची उपयुक्त ट्रेनर पर बहुत अभाव रही प्रोफेशनल ट्रेनर मान बहुत अभाव रही बहुत गुड़ाए जिम आम देखा कि जो मैंने अल्प किसी दिन माने एक्सरसाइज कला परे बा जिम एक्टिविटी कला परे सेमाने सेमानकु सेमाने ट्रेनर हिसाब रे नियुक्ति दउचंती जोथि पे कोन होउची ना आपण माने बहुत देखिबे जिम इंजुरी बा ट्रेनिंग इंजुरी मांसपेशी रे हो जॉइंट रे हो हाड रे हो ता ऊपर पडुती या एको प्रिवेंट करया पे आपण प्रॉपर्ली ट्रेनिंग नवा दरकार बा प्रॉपर ट्रेनर जो माने ड्रीम ट्रेनर बा क्वालिफाइड ट्रेनर सेमानक तत्वावधान रे आपण फिजिकल एक्सरसाइज जिम रे करबा आवश्यकता अछि। जदि एमती किसी इंजुरी हुए ताहाको इग्नोर कर दियंती बहुत कर क्षेत्र कोन टिके इंजुरी ला टिके रेस्ट नै गेले पेन किलर खाइ देले ताको इग्नोर कर देले पुनी जायकी जिम रे एक्सरसाइज बा एक्टिविटी करले ताले कोन हबो ना से इंजुरी टा एग्रावेट हबो एटा एक्यूट स्टेज रु क्रोनिक स्टेज आडू धीरे धीरे गति करिवो जोटा कोइ कि हायर ट्रीटमेंट बा मेडिकल बा सर्जिकल मैनेजमेंट दरकार पड़ी पारे। इनिशियल क्षेत्र रे सेते मैं एडवाइस करबी जदि आपन को जिम कला बेले कोनोसी इंजुरी होउची ताहाको आपन प्रॉपर्ली फिजियोथेरेपी कराइ नियंतु बा फिजियो गोटे भलो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट पाकर परामर्श रे आपन सिंपल कतरी एक्सरसाइज हो बा रेस्ट हो आइसिंग हो बा अल्प किछि फिजियोथेरेपी मोडालिटी द्वारा ट्रीटमेंट कराइले एवं ता भलो हिसाला परे आपन पुनी जिम को फेरिबे बा ग्रेडेड एक्सरसाइज आपन करिवे बा ग्रेडेड स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी करिवे जोथि कि आ इंजरी टा एग्रावेट होबनी तार ग्रेजुअली हीलिंग टा नेचुरल हीलिंग टा एस्टैब्लिश हे परिबो। सर वर्तमान समय रे जदी हाड एवं जॉइंट कथा हमें होउचंती तेबे आर्थराइटिस गोटे मुख्य समस्या एवं लॉन्ग टर्म रो जॉइंट पेन मध्ये गोटे मुख्य समस्या प्राय समस्तनकर रहउची युवा वर्ग मानक पाखरे भी एबे देखा जाउची सेही सिम्पटम्स टी तेबे एही पेशेंट्स मानक पई आजि कथा वार्ता भितरे आपण कोन सजेस्ट करिवे। देखो आर्थराइटिस गोटे डीजेनेरेटिव डिजीज बा क्षयशील डिजीज एटा हाड जॉइंट रे थिबा कतरी कार्टिलेज हो बा बोन हो तार जो डीजेनरेशन नेचुरल प्रोसेस रे बा कोनस इंड्यूस्ड प्रोसेस रे डीजेनरेशन हे गेले बा क्षय हेले आर्थराइटिस बा एटा इन्फ्लेमेटरी बा ओटे डिजीज ए रोगोटी हेथाय। यहा मुख्यतः वयस्क व्यक्ति मानक पाखर होय बा वयस रे एटा ओटे एजिंग रे ओटे प्रोसेस समान पाखर देखा हेथाय किंतु बेले बेले एटा यंग पिला मानक पाखर मते देखा होची रेयर केस रे समानक पई मोर रहिबो आर्थराइटिस हेला माने ताहाकू इग्नोर न करी ताकू प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट करा जाय परिबो एवं प्रिवेंटिव आर्थराइटिस पई प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी बहुत आवश्यकता अछि एवं फिजियोथेरेपी मध्ये 70 टू 80% आर्थराइटिस पेशेंट मानन को रिलीफ मिलि परियो फिजियोथेरेपी माध्यम ओनली 20 टू 30% जो माने के हायर मेडिकल मैनेजमेंट बा सर्जिकल मैनेजमेंट समान पे आवश्यक अछि। आउ जो सेकंड को पर्सनटी जो मते पचारले कि युवा वर्ग मानकर जॉइंट पेन होछि तार कारण अलग समानकर आर्थराइटिस पई कम होए किंतु एटा हमें कहूचे कि पोस्चुरल पेन बा समानकर जो माने हैबिट एर्गोनोमिकल जो बैड एर्गोनोमिकल हैबिट अछि माने समान बसिबार शैली हो चालिबार शैली हो आपण जोरा कोचिंग साइकिलिंग करियार शैली हो मुख्यतः जो माने सेडेंटरी लाइफस्टाइल करचंती कंटीन्यूअस आपण बड़ी जो माने रेडियो जॉकी माने बहुत समय धरी कंटीन्यूअस बसी प्रोग्राम करचंती किबा सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जो माने अछि समान कंटीन्यूअस 8 घंटा 10 घंटा बसी करचंती सेतिरे कोनोजी ना जॉइंट ऊपर अननेसेसरी इनबैलेंस से माने फोर्स का प्रेशर पडुची जॉइंट आ बोन मसल ऊपर सेति पई समान जे कंटीन्यूअस जॉइंट रे पेन होची बैक पेन हो नेक पेन हो इवन आपनकर गोइठी रे बा पाद गंठी रे हील रे पेन हो किबा काफ रे पेन हो ए सब पेन बहुत देखा होची समान पई मुगर गोटी माने गोटे बहुत सरल ये रहबो वर्कप्लेस वर्कआउट आपनकर कार्य क्षेत्र रे किछि एक्टिविटी आपण करंतु कंटीन्यूअस 4 घंटा 5 घंटा बसिबार कोनोसी आवश्यकता नाही आपण मझिरे मझिरे घंटाटे 45 मिनिट रे थरा इंटरवल ले ओनली 2 टू 3 मिनिट्स 4 मिनिट्स बा 5 मिनिट्स रो सिंपल एक्सरसाइज निजर बॉडी को स्ट्रेच करिवा निजर जॉइंट को मोबिलिटी करिया बा चलनफचल करिवा बा आपनकर वर्कप्लेस रे किछि बाटा चाली आसीबा 10 12 पाद चाली आसीबा या करिया द्वारा कोन होबो ई जो रोगटा माने जो माने सेडेंटरी बा बसी कंटीन्यूअस काम करथिन समान पंगरे जो जॉइंट टा पेन होची बा बैक पेन होची नेक पेन होची सेटा को हमें अनेक आंसर प्रिवेंट करि परिबा माने कहया गले 90 टू 95% जगह रे हमें प्रिवेंट करि परिबा। सर निश्चित भाबे आपनकर मूल्यवान उपदेश गुडी को हम श्रोता माननकु अनेक क्षेत्र रे सहाय्य करिवो तेबे जीवा पूर्वरु नेशनल बोन एंड जॉइंट वीक विषय रे आपनकर कोन वार्ता रहिवो। मोर श्रोतान में वार्ता रहबो कारण हमें पुनी कोरोना रा तृतीय लहर को नै हम भी चिंतित अछंती प्रथम वार्ता रहबो तृतीय लहर को हमें रोकिबा पई समस्त वैक्सीन नै जीवा जल्दी जल्दी वैक्सीन नै जीवा जो मन नै नथि जल्दी वैक्सीन नै जीवा एवं उपयुक्त कोरोना बा कोविड रो प्रोटोकॉल सब क्षेत्र रे हमें जोटी सामाजिक क्षेत्र हो वर्कप्लेस रे हो माने कि चलीबा बा मार्केट जाउचनी अननेसेसरी मार्केट जीवानी चली कि रहबा कारण अनलॉक प्रक्रिया आरंभ होई जाईची किंतु हमको सचेतन रहया को पड़िबो। द्वितीय होला ये कोरोना पीरियड रे हमें समस्त जेहेतु घरे अछंती समस्त जॉइंट पेन मसल पेन कांगिना हमें रेगुलरली जिम सब बंद अछि पाथ बंद थिला तोकरी हमें ग्रेजुअली केमती हमर एक्सरसाइज बा फिजिकल एक्टिविटी को फेरिबा बर्तन अनलॉक हेलानी हमें धीरे धीरे केमती हमर फिजिकल एक्टिविटी को फेरिया जेहेतुडा बोन जॉइंट वीक अछि तापै हम कहूची कि हमें ग्रेजुअली धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी को हमको फेरिया को पड़िबो एवं ताको कंटिन्यू रखया पड़िबो एवं निजे को सुस्थ और सुरक्षित रखया पई। आपनकर मूल्यवान शब्द गुडी को पई आपनकर मूल्यवान समय पई बहुत धन्यवाद सर रहिली नमस्कार थैंक यू। आज पई एतिकी आशा करूछु निश्चित भाबरे आज रही स्वतंत्र आलोचनाटी आपनकु मध्य अनेक मात्रा रे आपनक हाड़ को मजबूत रखिबार अनेक गुडी उपाय कहितिबो। तेबे एई कथा सहित आम दी जन को दिंतु वर्तमान विदा सब 91.9 सार्थक एफएम को भल पातु। आ जदि अधिका किछि एंटरटेनमेंट रो खुराक आपण माने पाइबा पई चाहुचंती ताहाले आज ही विजिट करंतु 91.9 सार्थक एफएम रो ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करिया पई भुलिबेनी। सुनथांतु ओडिया गीत भल पाउथांतु ओडिया गीत को कहथांतु 91.9 सार्थक एफएम एथर जमिला।